फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ठंड के दिनों में गर्मा गर्म मैंचुरियन खाना सभी को बहुत पसंद होता है, पर अक्सर डीप फ्राई किए हुए मैंचुरियन खाना हम अवॉइड करते हैं। इसीलिए आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए मैंचुरियन, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो आइए देख लेते हैं ये हेल्दी मैंचुरियन बनाने के इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। हेल्दी मैंचुरियन बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है, अजीनोमोटो मैंने लिया है, इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं इसका एक बेस्ट ऑप्शन आपको आगे बताने वाली हूँ, और टोमेटो केचप मैंने लिया है, कॉर्नफ्लोर हमें लेना है, गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है, और पत्ता गोभी इसको बारीक श्रेड करके लिया है, और कैप्सिकम को भी थोड़े छोटे टुकड़ों में कट किया है, और ये है लहसुन, गार्लिक, 2 टेबलस्पून लहसुन लेना है, प्रोमिनेंट फ्लेवर चाहिए, और 2 टेबलस्पून ये जिंजर जिसे कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और हमें लेना है पत्ती वाला प्याज, ग्रीन पार्ट और व्हाइट पार्ट, तेल, और सॉसेस में हमें लेना है ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस भी हम ले सकते हैं, सोया सॉस और विनेगर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैंचुरियन बॉल्स बनाएंगे, इसके लिए हम बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए हमें लेनी है पत्ता गोभी, ये 3/4 कप पत्ता गोभी है जिसे मैंने मिक्स फूड प्रोसेसर से बारीक श्रेड कर लिया है, और थोड़ी सी पत्ता गोभी हम ऊपर सॉस के लिए रखेंगे। और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं ये ग्रेट किया हुआ गाजर। सब्जियां की क्वांटिटी आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। गाजर भी ऑलमोस्ट 3/4 कप ले रही हूं मैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज, पत्ती वाला प्याज का व्हाइट पार्ट थोड़ा हम सॉस के लिए बचा कर रखेंगे और थोड़ा इसमें डाल रहे हैं, और ग्रीन पार्ट भी। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे गार्लिक का प्रोमिनेंट फ्लेवर, दोनों में ही अच्छा लगेगा, सॉस में भी और मैंचुरियन में भी। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून इसमें ले रही हूँ जिंजर और गार्लिक, दोनों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है फूड प्रोसेसर से, मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं स्वादानुसार नमक, और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में हमें मिक्स करना है सोया सॉस, 1/4 टीस्पून सोया सॉस इसमें मिक्स कर रही हूं मैं, और ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस मैं इसमें मिक्स कर रही हूं। सबको हम मिक्स कर लेंगे, सब्जी और सॉसेस सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देंगे। यह हमारा बैटर तैयार हो गया है, और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग आ गया है, पत्ता गोभी को हमने बारीक श्रेड कर लिया है, इसे ग्रेट नहीं करना है। पत्ता गोभी को यदि हम ग्रेट कर लेते हैं तो फिर उसमें पानी ज्यादा छूटता है, इसलिए ग्रेट नहीं करना चाहिए। और अब हम इसके इस तरह से बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे, इस तरह से हमें सारे बॉल्स बना के रेडी करने हैं। यदि आपको जरूरत हो तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर और इसमें मिक्स कर सकते हैं। यह हमारे मैंचुरियन के बॉल्स बनकर रेडी है, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मैंचुरियन को डीप फ्राई करने की जगह शेलो फ्राई करेंगे। ये मेरे पास अपम पात्र है, इसको मैं ग्रीस करके इसमें शेलो फ्राई करूंगी। यदि अपम पात्र नहीं है तो आप किसी नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक तवे के ऊपर भी तेल लगाकर शेलो फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ। अब हम इस अपम पात्र में इस तरह से एक एक बॉल मैंचुरियन बॉल्स रखते जाएंगे। इस तरह से मैंचुरियन बॉल्स रखने के बाद थोड़ा सा तेल इस तरह से ऊपर से भी और हम इसमें लगा देते हैं, और इसको हम धीमी आंच पर गोल्डन करेंगे। चारों तरफ से हमें गोल्डन करना है इसे। फ्रेंड्स, हमें गैस को एकदम स्लो रखना है, एकदम धीमी आंच पर ही इसको धीरे धीरे इस तरह से टर्न करते जाना है, और चारों तरफ से इसको एकदम ब्राउन सेकना है, और धीमी आंच पर करेंगे तो ये एकदम अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। फ्रेंड्स, अब तो ये
मंचूरियन बहुत ही हेल्दी हो गए हैं। डीप फ्राई का तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया हमारा। हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां भी डाली है, जिंजर गार्लिक का भी बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट फ्लेवर दिया है। बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत ही हेल्दी। कभी भी हम इसको वीकेंड पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, एवरी वीकेंड भी हम बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने हेल्दी दाल मंचूरियन, गोभी मंचूरियन और मिक्स वेज मंचूरियन की रेसिपी यूट्यूब पर अपलोड की है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, आप जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिए और ये हेल्दी मंचूरियन भी जरूर बनाइए और पसंद आए रेसिपी तो लाइक भी कीजिए। फ्रेंड्स, इसको धीमी धीमी आंच पर मैंने एकदम 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लिया है और अब ये हो गए हैं। अब मैं इसको साइड में कर लेती हूँ और इधर हम सॉस की तैयारी करेंगे। इस तरह से इसको हिलाते जाना है और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेकना है। फ्रेंड्स, अब सॉस बनाने के लिए हम पैन में 1 चम्मच तेल गरम करते हैं। फ्रेंड्स, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक, प्रोमिनेंट फ्लेवर 2-2 चम्मच मैंने लिया था। ऑलमोस्ट 15 से 20 कलियां गार्लिक है, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। थोड़ा सा हमने पहले भी डाला है मंचूरियन में और बाकी का हम इसमें डाल रहे हैं। जितना प्रोमिनेंट फ्लेवर हम जिंजर गार्लिक का लेते हैं, बहुत ही अच्छा मंचूरियन का हमारा टेस्ट बचता है। फुल फ्लेम पर हमें इसे सौते करना है, जिंजर और गार्लिक को। बहुत ही अच्छी एक बर्निंग स्मेल आ रही है इसमें से, थोड़ा सा लाल कलर आ गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें प्याज डालते हैं। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीट फूड टाइप, इस तरह से प्याज में भी स्मोकी फ्लेवर आ गया है। प्याज को हम चिल्ड वाटर में डाल देते हैं और इस तरह से हम इसको स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, फुल फ्लेम पर ही सौते करना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं कैप्सिकम। सब्जी आप अपनी मनपसंद कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 कैप्सिकम ली है मैंने। कैप्सिकम डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कैरेट डाल रहे हैं, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ, और पत्ता गोभी जो हमने बचा के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको, सब्जियां आप आपकी चॉइस के अनुसार कम ज्यादा क्वांटिटी सब कर सकते हैं, पर सब्जियों में हमारा क्रंच रहना चाहिए इस बात का ध्यान रखना है। और फास्ट फ्लेम पर थोड़ा जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करनी होती है सॉस बनाने की। और अब हम इसमें डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। ये हमें अजीनोमोटो सब्जियों का फ्लेवर इनहेंस करने के लिए हम डालते हैं। 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। अजीनोमोटो की जगह मैंने आपको बताया कि आप शुगर ले सकते हैं, शुगर से भी फ्लेवर इन्हेंस होता है। आप इसमें पिंच शुगर डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अजीनोमोटो का। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, स्वादानुसार थोड़ा नमक डालेंगे। और नमक थोड़ा कम ही डालना चाहिए क्योंकि हम सॉसेस भी डाल रहे हैं। और इसमें डालेंगे हम सॉस, सोया सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस, मैं भी यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून हमें लेना है विनेगर। सबको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप, 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप। सॉसेस मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़ा पानी में घोल दिया है, इसकी स्लरी बनाकर हम इसमें डाल देते हैं जिससे बहुत अच्छा बाइंडिंग आ जाता है। और यदि आप चाहे तो मंचूरियन ड्राई रखना चाहे तो पानी इसमें कम डालें और थोड़ा सा सॉगी टेक्स्चर चाहते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी में इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें मंचूरियन मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह से कोट कर देंगे सॉस में। मंचूरियन मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी शेलो फ्राई वेज मंचूरियन तैयार है।
फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही हेल्दी शेलो फ्राई मंचूरियन की रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज इस रेसिपी को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी रेसिपी शेयर कीजिए। थैंक्स।